बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ उर्दू चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? इस्लाम के चौथे खलीफा। चारों खुलफाए राशिदीन के बारे में सब बच्चों को पता होगा कि इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, सेकेंड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, थर्ड हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु एंड द फोर्थ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इस चैप्टर में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। इस चैप्टर को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शजाअत और बहादुरी और जो उनकी दीगर सिफ़ात हैं, दूसरी सिफ़ात हैं, उनके बारे में जान सकें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहायत सादा ज़िंदगी गुजारी और मुसलमानों का खलीफा बनने के बाद भी वो हमेशा सादगी से ही ज़िंदगी बसर करते रहे। इसके अलावा हमें अच्छा और कामयाब मुसलमान बनने के लिए खुलफ़ाए राशिदीन की और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तालीमात हैं, जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनको फॉलो करना है। जी, अच्छा और कामयाब मुसलमान बनने के लिए क्या करना चाहिए? सब बच्चों को पता है कि अच्छा और कामयाब मुसलमान वही है जो हमेशा सच बोलता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है, सादगी से ज़िंदगी गुजारता है और अपनी जो तमाम अपना लाइफस्टाइल है उसको उस तरह से बना लेता है जो कि अल्लाह ताला को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। वही इंसान दुनिया में और आखरत में दोनों जगह पर कामयाब है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब मुसलमानों के खलीफा बने। अंडरलाइन द वर्ड खलीफा एंड राइट इट्स मीनिंग हाकिम। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। अंडरलाइन द वर्ड चचाज़ाद एंड राइट इट्स मीनिंग चचा का बेटा, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में बहुत मुमताज़ और नुमाया हैसियत रखते थे। अंडरलाइन द वर्ड मुमताज़ एंड राइट इट्स मीनिंग आला। अंडरलाइन द वर्ड हैसियत एंड राइट इट्स मीनिंग अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनी हाशिम को अरब में बड़ी अजमत और सरबुलंदी हासिल थी। अंडरलाइन द वर्ड अजमत एंड राइट इट्स मीनिंग इज़्ज़त। अंडरलाइन द वर्ड सरबुलंदी एंड राइट इट्स मीनिंग आला मकाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की माली हालत अच्छी ना थी, इसलिए उन्होंने चचा का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली को अपने साथ रख लिया। इस तरह बचपन ही से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगोश नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई। अंडरलाइन द वर्ड आगोश एंड राइट इट्स मीनिंग गोद, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन ही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जी, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का दामन तमाम आलूदगियों से पाक था। अंडरलाइन द वर्ड आलूदगियों एंड राइट इट्स मीनिंग बुराइयों, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन ही से तमाम बुराइयों से पाक थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इब्तदा ही से नेक। अंडरलाइन द वर्ड इब्तदा एंड राइट इट्स मीनिंग शुरू। शुरू ही से नेक, हलीमुलतबा, मुत्तकी और रास्तबाज थे। अंडरलाइन द वर्ड हलीमुलतबा एंड राइट इट्स मीनिंग बुर्दबार। अंडरलाइन द वर्ड मुत्तकी एंड राइट इट्स मीनिंग परहेजगार। अंडरलाइन द वर्ड रास्तबाज एंड राइट इट्स मीनिंग सच बोलने वाले थे। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु में ये तमाम खूबियाँ मौजूद थीं कि वो बचपन ही से नेक, बुर्दबार, परहेजगार और सच बोलने वाले थे। मदीना आने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का निकाह अपनी अज़ीज़ साजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया।
अंडरलाइन द वर्ड शाहजादी एंड राइट इट्स मीनिंग बेटी. अजीज़ शाहजादी, प्यारी बेटी. हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कर दिया. हिजरत के बाद गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ. जी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उसके बाद गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ. अंडरलाइन द वर्ड गज़वात एंड राइट इट्स मीनिंग. वो जंगें जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की उनको गज़वात कहते हैं. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन तमाम गज़वात मसलन बदर, उहद, खंदक, बनी करीज़ा और हुनैन में अजीम कारनामे अंजाम दिए. आप रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े ज़ोरावर थे. अंडरलाइन द वर्ड ज़ोरावर एंड राइट इट्स मीनिंग. ताकतवर थे. जिस बहादुर से मुकाबला हुआ उसको ज़ेर किया. अंडरलाइन द वर्ड ज़ेर किया एंड राइट इट्स मीनिंग. शिकस्त दे दी, हरा दिया. यानी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर थे, ताकतवर थे. जिस किसी से भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाबला होता, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसको हमेशा शिकस्त दे देते थे. बहादुरी की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असदुल्लाह का ख़िताब दिया. असदुल्लाह का मतलब है अल्लाह का शेर. इल्म में आपका कोई सानी नहीं था. अंडरलाइन द वर्ड सानी एंड राइट इट्स मीनिंग. बराबर. यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म में कोई बराबर नहीं था. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस शहर का दरवाज़ा है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक अज़वे में शामिल थे. अंडरलाइन द वर्ड ज़माना एंड राइट इट्स मीनिंग. दौर में, वक्त में. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक अज़वे में शामिल थे कि एक काफिर मदे मुकाबिल था. अंडरलाइन द वर्ड मदे मुकाबिल एंड राइट इट्स मीनिंग. सामने. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक अज़वे में एक काफिर था. जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु इसको गिरा कर इसके सीने पर चढ़े और इसके कत्ल का इरादा किया तो इसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह पर थूक दिया. ये देखकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु इसके सीने से दूर हट गए, पीछे हो गए. काफिर ने कहा, ए अली, मेरे थूकने से तो तुम्हें और ज़्यादा गुस्सा आने चाहिए था, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, पहले मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर रहा था. अंडरलाइन द वर्ड रज़ा एंड राइट इट्स मीनिंग. खुशी. आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, पहले मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर रहा था, लेकिन अब इसमें मेरा गुस्सा भी शामिल हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया. यानी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुमने मेरे मुंह पर थूका और तुम्हारे थूकने से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया. तो जब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो इसका मतलब ये है कि शैतान मेरे सर पर सवार हो गया. यानी कि हमें जब गुस्सा आता है तो वो शैतान ही हमें गुस्सा दिलाता है ना, और हम गुस्से में जो है वो बड़े बड़े काम कर देते हैं, बुरे बुरे काम कर देते हैं. तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं तो गज़वे में तुमसे लड़ रहा हूँ और गज़वे में तुमसे अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने मुँह पर थूकने की वजह से मारूँगा तो इसमें मेरा गुस्सा शामिल हो जाएगा, शैतान शामिल हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया. काफिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जवाब सुनकर इसी वक्त मुसलमान हो गया. एक बार यहूदियों का एक किला कई कोशिशों के बावजूद फतह ना हो सका. आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को परचम देकर हमले का हुक्म दिया. अंडरलाइन द वर्ड परचम एंड राइट इट्स मीनिंग. झंडा. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा थमाया और कहा कि आपने इस किले को फतह करना है. इस किले में एक नामवर पहलवान था. अंडरलाइन द वर्ड नामवर एंड राइट इट्स मीनिंग. मशहूर. पहलवान था जिसका नाम मरहब था. उसके बारे में मशहूर था कि वो अकेला 1000 आदमियों से लड़ सकता है. जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुकाबले पर गए तो उसने उन्हें हकारत की नज़र से देखकर कहा. अंडरलाइन द वर्ड हकारत एंड राइट इट्स मीनिंग. नफ़रत. मरहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हकारत की नज़र से देखकर कहा, मैं मरहब हूँ, मैं बड़े बड़े बहादुरों को मौत के घाट उतार चुका हूँ, मार चुका हूँ, कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? यानी कि मरहब ने बड़े गुरूर के साथ कहा कि मैं बड़े बड़े बहादुरों को मौत के घाट उतार चुका हूँ, कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर की तरह दलेर और खौफनाक हूँ
और पलक झपकने में दुश्मन को मौत का मज़ा चखा देता हूँ। जब मरहब ने कहा कि कौन मेरा मुकाबला कर सकता है, तो हज़रत अली ने कहा, मैं शेर की तरह दलेर, अंडरलाइन द वर्ड दलेर एंड राइट इट्स मीनिंग बहादुर, और खौफनाक, अंडरलाइन द वर्ड खौफनाक एंड राइट इट्स मीनिंग नडर, यानी कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और पलक झपकने में यानी कि फ़ौरन, अंडरलाइन द वर्ड पलक झपकने एंड राइट इट्स मीनिंग फ़ौरन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं पलक झपकने में दुश्मन को मौत का मज़ा चखा देता हूँ। मरहब ने गुस्से और जोश के साथ आगे बढ़कर हमला किया, आगे बढ़कर वार किया हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फुर्ती से तेज़ी से एक तरफ़ हो गए। दुश्मन का वार खाली गया, यानी कि उसका जो हमला था वो खाली गया, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तेज़ी से जल्दी से पीछे हो गए। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमला किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का वार इतना सख्त था कि तलवार मरहब की खोपड़ी को काटती हुई नीचे तक चली गई। मरहब के मरते ही किला फतह हो गया और मुसलमान किले में दाखिल हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे, नहायत सादा लिबास पहनते थे, अक्सर जौ की रोटी खाते थे, अपना काम खुद करते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते थे। मुसलमानों का खलीफा बनने के बाद भी उनकी सादगी में कोई फ़र्क ना आया और मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से हमें सखावत, इसार, बहादुरी और मेहनत का दर्स मिलता है। अंडरलाइन द वर्ड सखावत एंड राइट इट्स मीनिंग नेक दिली, अंडरलाइन द वर्ड एसार एंड राइट इट्स मीनिंग कुर्बानी, अंडरलाइन द वर्ड दर्स एंड राइट इट्स मीनिंग सबक, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से हमें नेक दिली, कुर्बानी, बहादुरी और मेहनत का सबक मिलता है। Yes, students, now we will solve the exercise of the chapter, page number 82, सवाल नंबर 5। सबक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक खाली जगह पुर करें। अलिफ, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश थे और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में बहुत मुमताज़ और नुमाया हैसियत रखते थे, चचाज़ाद भाई थे। बे, मदीना आने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का निकाह अपनी साहिबज़ादी डैश से कर दिया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से। जीम, डैश के मरते ही किला फतह हो गया और मुसलमान किले में दाखिल हो गए, मरहब के मरते ही। दाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा डैश की माली हालत अच्छी ना थी, अबू तालिब की। हे, आप रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान डैश को अरब में बड़ी अजमत और सरबुलंदी हासिल थी, बनी हाशिम। सवाल नंबर 6, सबक हज़रत अली के मुताबिक जवाबात लिखिए। अलिफ, हज़रत अली इब्तिदाही से थे नेक, हलीम अल्तबा, मुत्तकी, रास्तबाज़। बे, हज़रत अली ने इन तमाम गज़वात में अजीम कारनामे अंजाम दिए, बदर, उहद, खंदक, हुनैन, बनी करीज़ा। जीम, हज़रत अली की ज़िंदगी से हमें दर्स मिलता है, सखावत, इसार, बहादुरी, मेहनत। नाउ वी विल सॉल्व पेज नंबर 18, ग्रामर। सवाल नंबर 7, मुज़क्कर अल्फाज की जगह मोनस और मोनस अल्फाज की जगह मुज़क्कर इस्तेमाल करें और जुमलों को दोबारा लिखिए। अलिफ, गाय खेत में चर रही है, गाय का मुज़क्कर है बैल, बैल खेत में चर रहा है। बे, मेरी मालकन ने मुझे डांटा, मालकन मोनस है, इसका मुज़क्कर है मालिक, मेरे मालिक ने मुझे बहुत डांटा। जीम, बच्चों ने चिड़ियाघर में एक शेर और एक हाथी देखा, शेर का मोनस है शेरनी और हाथी का मोनस है हथनी, बच्चों ने चिड़ियाघर में एक शेरनी और हथनी देखी। दाल, मेरे दादा, चचा, ताया और मामू हज करने जा रहे हैं, दादा का मोनस है दादी, चचा, चची, ताया, ताई, मामू, ममानी, मेरी दादी, चची, ताई और ममानी हज करने जा रही हैं। हे, आमना की बहन बहुत गुस्सा करती है, बहन का मुज़क्कर है भाई, आमना का भाई बहुत गुस्सा करता है। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू वर्कबुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अल्फाज को मायने से मिलाइए। मुमताज़, आला, हलीमुल तबा, बुर्दबार,
रास्तबाज सच्चा, मदे मुकाबिल हरीफ या दुश्मन, हकारत बेइज्जती या जिल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ज़ेर करना, पाक फ़ौज के जवानों ने दुश्मन को ज़ेर करना सिखाया। सानी, अल्लाह अपनी सिफात में यकता है, इसका कोई सानी नहीं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 24। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह का ख़िताब किसने और क्यों दिया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजात और बहादुरी की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह का ख़िताब दिया। नेक्स्ट, इल्म के हवाले से ख़त्मुन नबीयीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में क्या फ़रमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इस शहर का दरवाज़ा है। नेक्स्ट, इंटरनेट या किसी किताब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई वाक़िया ढूँढ कर लिखिए। जी, हिजरत की रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बिस्तर पर रात गुजारने का शर्फ़ हासिल किया। अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई अमानतें मक्का वालों को लौटाईं और मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई। नाउ वी विल सॉल्व पेज नंबर 25। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में 5 जुमले लिखिए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इब्तिदा ही से नेक, हलीमुल तबा, मुत्तकी और रास्तबाज थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद मुसलमानों के खलीफ़ा बने। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादी हज़रत फ़ातिमा से हुआ। ग़ज़वा बदर, उहद, खंदक, बनी गरीज़ा और हुनैन में अजीम कारनामे अंजाम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मुशाहिदा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में मुसलमानों को क्या सिफ़ात अपनाने की ज़रूरत है? अपने साथियों से बात करके लिखिए। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। सादा लिबास पहनते, जौ की रोटी खाते, अपना काम खुद करते हुए बिल्कुल शर्म महसूस ना करते, मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से शुजात, बहादुरी, सखावत, इसार और मेहनत जैसी सिफ़ात हमें अपनाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ यू विल लर्न इट केयरफुली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।